स्वागत है 205 चैनल में। तो आज बसंत पंचमी स्पेशल मिठाई बनने जा रहे हैं, जो माता रानी के अच्छी तरह से भोग लगा सकते हो। सफेद मिठाई माता रानी को बहुत पसंद है, तो चलो आज हम सफेद दूध से मिठाई बनाएंगे। न मावा, न चाशनी, न मिल्क पाउडर, सिर्फ तीन चीजों से आपको बनाना सिखाएंगे। और दूध में फुल फैट दूध ले ली हूँ एक कप, और दिखा देती हूँ। और थोड़ा ड्राई फ्रूट पिस्ता बारीक काट के ले लियो, चीनी। बस तीन चीजों से आपको सिखाएंगे बहुत बढ़िया मिठाई, जो माता रानी को भोग लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं जो दूध ली थी कप का, वह हमने इसमें डाल दी थी कढ़ाई में। कढ़ाई गर्म हो था इसलिए मैं दूध डाल दी। अब हम इसमें एक कप और दूध ले लेते, वो भी डाल देते हैं। ये देख सकते हैं, ये मैं फुल फैट वाला दूध है, तबेले वाला दूध। ये दूध बहुत मलाई पड़ता है, इसलिए मैं देख ली मलाई। ये दूध सुबह में गर्म करी थी एक बार, वही दूध है। और मैं दूध इसमें डाल दी, यानी एक लीटर दूध मेरा है। एक लीटर में मैं वो जो शक्कर आपको चीनी यानी दिखाई हो वही मैं डालूंगी। अब देख ले एक लीटर दूध है, अब हम इसको जलाएंगे और गर्म करेंगे। अब देख सकते दूध में उबाल आ गया है, और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक ये दूध गाढ़ा न हो। इसी तरह इसको अरे घुमाते रहो इसमें कलछी, और इसको चलाते रहो ताकि ये तले में बैठे ना। और ये वैसे मेरा मोटे तले का है कढ़ाई, मोटे जब ही दूध का आप बना रहे हो मिठाई तो मोटे तले का ही कढ़ाई लो। और इसी तरह इसको चलाते रहो ताकि दूध तले में बैठे ना, काला न होए दूध। हम इसी तरह जलाते रहेंगे, इसको चलाते रहेंगे और जब तक गाढ़ा नहीं होगा। आप देख सकते हो जितना मैं दूध ली थी एक लीटर, जल के पूरा पाव लीटर ही समझ लो बचा है, एकदम गाढ़ा हो गया है जल के। और हम इस वक्त अब दूध बहुत गाढ़ा हो गया, अब हम इसमें जो ली थी चीनी अब हम इसमें डाल देते हैं। दूध और चीनी से बहुत टेस्टी मिठाई बनता है, बहुत खाने में टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। आप इस तरह जरूर बनाना, अब बहुत बढ़िया मिठाई बनेगी बसंत पंचमी का स्पेशल। देख सकते हैं अब हम इस वक्त चीनी इसमें डाल के पिघला लेते हैं, और चीनी दूध से बहुत बढ़िया मिठाई, एक बार जरूर बनाना। और ये ऐसी अच्छी मिठाई, दूध और चीनी से मिठाई बनाओ तो आप व्रत में भी खा सकते हो, कभी भी खाओ, बना के मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनती है। चलो बना के दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं चीनी पूरा ऐसे देखो ले रहे, चीनी पिघल गया है जो डाली थी। अब इसी तरह हम इसको और पकाएंगे थोड़ा टाइम, और किनारे किनारे का सब इकट्ठा कर लेते हैं, गाढ़ा भी हो गया है। अब दो मिनट और पकाएंगे इसको, और इतना दूध ये बना दूध जलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता दूध जलाने में, सिर्फ 15 मिनट मिठाई भी तैयार हो जाएगा। गया आपका, देख सकते हैं गाढ़ा हो गया, बन गया। आप देख सकते हैं अब गोल गोल इसमें ऐसा आ गया, समझ लो ये तैयार हो गया मिठाई बनने के लिए। अब थोड़ा सा हम पानी में इसको लेके चेक कर लेते हैं कि गोला बन रहा है कि नहीं। हाँ अब देख सकते हैं जैसे मैं पानी में डाली, यहाँ गोला बन रहा है आराम से। अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब गैस बंद करके हम इसको उतार के ठंडा कर लेते हैं। अब देख सकते हो ठंडा हो के मेरा गाढ़ा हो गया। और एक इस तरह का मैं एक टिफिन ली हूँ, और इसमें मैं बटर पेपर लगा ली हूँ। अगर आपके पास मोल्ड है या तो ट्रे है उसमें भी आप डाल सकते हो। अब हम इसमें देखो सब जो बनाई थी मिठाई हम इसमें सब डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हम सब इसी तरह डाल के अच्छे से फैला लेते हैं। अब किसी में सेट कर सकते हो, ये मैं एक डब्बे टिफिन वाला डब्बा है इसी में हम सेट करे हैं, और सब इसमें डाल देते हैं सब। आप देख सकते हैं सब अच्छे से सेट हो गया है। अब हम जो पिस्ता ली थी अब हम इसको सब जगह इसमें डाल देते हैं। अब इसको एक दो घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे, या तो किचन के प्लेटफॉर्म पे छोड़ दोगे तो भी जम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब फ्रिज में रखना चाहते हो तो फ्रिज में रख सकते हो। अब हम सब जगह पिस्ता डाल के हम इसको रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब हो मरे जाके तो मैं बर्फी शेप में या मिठाई शेप में आप इसको निकाल सकते हो काट के।
मैं पिस्ता डाली हूँ, डाल के देख लो, रख सकते हैं 2 घंटे फ्रिज में रख देती हूँ। आप इसके जगह बादाम भी डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। चलो अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। आप देख सकते हैं मैं फ्रिज में रख दी थी इसे ढक्कन लगा के, और अब देख सकते हैं जो पिस्ता डाली जम गया है। अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं एक थाली में। आप देख सकते हैं थाली में मैं निकाली। अब चलो इसका उसका तो जो पेपर है इसको भी मैं अच्छे से निकाल देती हूँ, तो निकल जाएगा आसानी से। बटर पेपर निकाल दी। वाह कितना बढ़िया बना है, देख सकते हैं। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब हम इसको एक चाकू से कटिंग कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा काट सकते हैं। आप मैं देख सकते हैं आप काजू कतली का डिजाइन भी दे सकते हैं। मैं सीधा ही सीधा डिजाइन दे रही हूँ, आपको ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो हम थोड़ा चरकोर चरकोर डिजाइन इसका देंगे और इसे कट कर लेते हैं। इधर का थोड़ा साइड का निकाल के हटा देते हैं, और इतना बड़ा बड़ा हम काट रहे हैं, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं बहुत बढ़िया बना है, और आसानी से इस तरह बनाइए। और क्या है कि ये अगवा दूध का है, और आप व्रत में खाइए। अगर आपका व्रत है, कोई भी व्रत में आप खा सकते हैं। दूध के बना है, चीनी से बना, 2-3 चीज से बना है, और बहुत बढ़िया बना है। आप देख सकते हैं अच्छा बना है। आपको एक निकाल के दिखा देते हैं। इस तरह बनाइए और माता रानी के भी भोग लगाइए। आप प्रसाद में भी चढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं 3 चीजों से बन के तैयार हुआ है। आप इस तरह बनाइए, खाइए, और मेरे को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।